हेलो एंड वेलकम माय ऑल डियर यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने जा रहे हैं सैनडिस्क का अल्ट्रा डुअल 64GB यूएसबी 3.0 ओटीजी पेन ड्राइव का, जो कि हमने ब्लैक कलर में अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और चैनल बनाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है सैनडिस्क का अल्ट्रा डुअल 64GB यूएसबी 3.0 ओटीजी पेन ड्राइव, जो कि ब्लैक कलर में मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से। तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और गाइस, ये हमारा सैनडिस्क का अल्ट्रा डुअल 64GB यूएसबी 3.0 ओटीजी पेन ड्राइव, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सैनडिस्क का। ये यहाँ पे गाइस कुछ तरीके से लिखा हुआ है, सैनडिस्क अल्ट्रा डुअल ड्राइव M3.0 यहाँ पे गाइस लिखा हुआ कुछ तरीके से, और स्पीड अप टू यहाँ पे लिखा हुआ है 130 MB पर सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड अप टू 130 MB पर सेकंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा, आप इसका पढ़ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये 5 ईयर्स के वारंटी के साथ आता है। अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है वारंटी गाइड, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया, वहाँ से जाके आप इसका वारंटी गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब ये 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है। तो अब हम सबसे पहले गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कुछ तरीके से यहाँ पे कट करने का दिया हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से। इसके अंदर कुछ तरीके का आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, जिसमें गाइस यहाँ पे सैनडिस्क का जो ऐप है इसे आप मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो बाकी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं इसको साइड में करता हूँ, और यहाँ पे हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो है सैनडिस्क का जो पेन ड्राइव है 64GB का। काफ़ी लाइट वेट है गाइस। अब इसको हम ओपन करते हैं, अंदर से इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा सैनडिस्क का पेन ड्राइव, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लाइट वेट है गाइस। हमको 5-6 ग्राम वजन होगा, मैंने शायद इसका पढ़ा नहीं था कितना इसका वेट है, मतलब काफ़ी लाइट वेट है। इसको हम ऐसे स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, इसको हम लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ हो सकता है गाइस। ये टाइप सी नहीं है, अगर टाइप सी चाहिए इसके लिए तो इसमें आप OTG लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे टाइप सी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं था, और मेरे पास OTG अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था ताकि ये दोनों मेरा काम हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। तो अब गाइज ये है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर 64GB लिखा हुआ है। अब इसको हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे और उसको यूज़ करते हैं, लैपटॉप मतलब कि इसमें स्पीड देखते हैं इसमें से ट्रांसफ़र करने में। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम अभी इस USB को लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस USB को यहाँ पे लगा देते हैं इस लैपटॉप में। तो इसको हम यहाँ पे अपने लैपटॉप में इसको, तो गाइज हमने यहाँ पे अपने लैपटॉप में USB को लगा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है USB ड्राइव इस तरीके से। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्टेड स्कैन 4 थ्रीड्स, ये स्कैनिंग कर रहा है, इसको अभी हम हटाते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे चल जाते हैं हमने दिस PC पे, और यहाँ पे देखते हैं हमारे ड्राइव में क्या क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आ चुका है गाइज USB ड्राइव H लिखा हुआ है, और यहाँ पे 57.2 GB फ्री और 57.2 GB, यानी कि गाइज ये 64GB का हमारा USB है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 57 GB ही लगभग हमको मतलब स्पेस मिल रहा है, ठीक है, पूरा फ्री है यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इस पर डबल टैप करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर कई दो चीज़ें हैं, क्या क्या है मैं देख रहा हूँ, सैनडिस्क मेमोरी जोन और सैनडिस्क मेमोरी जोन क्विक स्टार्ट गाइड। तो गाइज ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जो भी APK है उसको हम इंस्टॉल करके उससे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, इसको इंस्टॉल करके उसके हिसाब से मतलब जो भी मतलब मैनेजमेंट होता है, आप में कैसे फाइल रखना है, फोल्डर को कॉपी वगैरह करना, तो सब उस ऐप से हो जाता है, ठीक है गाइज। तो वो आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, लेकिन अभी के लिए हमारा वो काम नहीं है उस पर वीडियो बनाना। यहाँ पे गाइड भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे PDF दिया हुआ है, चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको।
यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है कि कैसे आपको इसको यूज करना है, जो सैंडिस्क मेमोरी जोन ऐप है एक, ये गाइस। तो यहाँ पे मैं ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे कुछ तरीके से दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइस इसको मैं अभी बंद करता हूँ, और अभी यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ कि कितना स्पीड मिलता है हमको, यानी कि जब हम यहाँ पे यानी कि डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप से इस यूएसबी में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तब कितना टाइम लगता है, मतलब कि स्पीड कितना मिलता है, और जब हम यूएसबी से लैपटॉप में कोई चीज़ कॉपी करते हैं तब कितना टाइम लगता है और कितना स्पीड मिलता है, दोनों में हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि रीड एंड राइट स्पीड दोनों हम चेक करने वाले हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और आ जाते हैं हम कोई भी यहाँ पे फोल्डर्स फाइल्स वगैरह करते हैं, तो हम यहीं पे चले जाते हैं गाइज। और यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, जैसे मैं इसमें आ गया, यहाँ पे गाइज देख सकते हैं इनको मैं कॉपी करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बार छों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइज। और यहाँ पे इसका मैं देख लेता हूँ कितना साइज है इसका प्रॉपर्टीज में जाके। तो गाइज यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि साइज यहाँ पे शो कर रहा है कि 955 MB साइज है, लगभग 1 GB से थोड़ा कम है। तो ये गई 6 फाइल्स है और इसको मैं अभी कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। अपने माने यानी कि ये हमारे लैपटॉप में है और इस लैपटॉप से मैं इसको यूएसबी में सेंड करने वाला हूँ या कॉपी करने वाला सिंपली। तो अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं यूएसबी पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना स्पीड मिलता है हमको और कितने देर में होता है। तो मैं यहाँ पे अभी पेस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कॉपिंग 6 आइटम्स लिख रहा है और यहाँ पे 5% 8% कुछ इस तरीके से ये कॉपी हो रहा है। यहाँ पे मैं मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्पीड हमको दिखाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड दिखा रहा है 11 MB/s, 11, 10, 9। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड दिखा रहा है। तो यानी कि जब मैं लैपटॉप से अपने इस यूएसबी में कोई चीज़ कॉपी कर रहा हूँ तो लगभग मुझे मैं बोल सकता हूँ 10 MBPS का हमको स्पीड मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में 10 MB हमारा कॉपी हो रहा है, ठीक है गाइज। तो ये देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो भी टाइम लगा है वो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को यहाँ फास्ट भी नहीं किया है ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ, मतलब कितना टाइम पूरा लग रहा है, ठीक है। लगभग 1 GB फाइल हम बोल सकते थे ये था 1 GB, ठीक है, मतलब 1 GB थोड़ा कम था। और इसमें जो भी टाइम लगा है आप खुद देख सकते हैं गाइज, और हमको लगभग 10 MBPS का स्पीड हमको लगभग मिला है। अब हम क्या करते हैं गाइज, इस यूएसबी से हम अपने डेस्कटॉप में कुछ कॉपी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्पीड कितना मिलता है। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये इतना हम कॉपी करते हैं। तो गाइज ये है हमारे यूएसबी में, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना स्पीड मिलता है। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज देख सकते हैं स्पीड इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है उसके मुकाबले में, देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में हो रहा है और 28 MB/s का आपको स्पीड यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज ये होता है जब आप लैपटॉप से यूएसबी में कॉपी करते हैं तो आपको थोड़ा स्पीड कम मिलता है, लेकिन जब यूएसबी से लैपटॉप में कॉपी करते हैं तो आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लगभग 3 गुना तक हम मैं बोल सकता हूँ मिल रहा है यहाँ पे स्पीड। तो गाइज आप सब कुछ देख सकते हैं स्पीड कितना मिल रहा है, मैंने लाइव दिखाया है, 6 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एक साथ कॉपी किया जाए तो स्पीड और डाउन हो जाए, ठीक है गाइज। तो अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है, और इस रेंज में लगभग मैं जब 579 में ये मिल गया 64 GB 64 GB, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है गाइज। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा बेस्ट है इसके, मतलब कि नॉर्मली आप अगर स्टोर करना चाहते हैं कोई चीज़ तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, जय हिंद जय भारत।